It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Hello everyone. वेलकम बैक टू टूडेज वीडियो. सो आज जो मेरे पास चीज़ आ चुकी है वो है इन्फिनिटी बाय हर्मेंस फ्यूज 99 पोर्टेबल स्पीकर्स. तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं. हो तो चुका ही है लेकिन आप लोगों के लिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या इसके फीचर्स, क्या इसके बॉक्स कंटेंट. तो वैसे लुक बड़ा अच्छा है यार, देखो कैसा अच्छा सा प्यारा सा फोकस, बड़ा पोर्टेबल सा, मतलब फेंक के भी मारोगे तो आराम से पहुँच जाएगा दूर तक, ऐसी कोई बात नहीं है. सो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं, ठीक है चलो. सो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुका है इन्फिनिटी हेडफोन्स बाय हर्मेंस. तो चलो इसकी सील ब्रेक करते हैं. सो जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स खोलने में तो बड़ा स्टाइलिश सा है क्योंकि देखो ऐसे फिर ऐसे, और सबसे नीचे हमें देखने को नहीं. सो गाइस नीचे हमें देखने को मिलता है ये छोटा सा हमारा पिद्दू सा स्पीकर. तो इसको साइड रखते हैं. और अगर बॉक्स के बारे में बात करी जाए तो हमें यहाँ पे मिलती है टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी डाटा केबल, एंड साइड में ये छोड़ो, और इधर एक साइड में मिलती है एक मैनुअल गाइड जिसको हम पढ़ के बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं. और अगर बात करी जाए इस स्पीकर के बारे में, ये है हमारे पास इन्फिनिटी बाय हर्मेंस फ्यूज 99 स्पीकर. ये बड़ा कॉम्पैक्ट सा, बड़ा छुटकू सा स्पीकर है, बड़ा अच्छा लगता है. आप इसको कहीं भी लेकर आराम से कैरी कर सकते हो. बड़ा कहना बल्की वाला जो फैक्टर आता है वो इस पर नहीं लगेगा. सो अगर अगर आपको इसको इन हैंड कहते हैं ना, कैसी है इसकी टेक्टाइल सेंसेशन है वो मैं बताऊं तो यार ये बड़ा कहते हैं ना अच्छा सा लगता है. कहते ना एकदम कॉम्पैक्ट से आपके पूरी हथेली में आ जाता है. किसको फेंक के मारना है तो मार भी दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इसके आउटलेट के बारे में देखा जाए तो इसमें नीचे जो बता रखा है वो बता रखा है इसका कि इन्फिनिटी जो भी दे रखा है. और इसके साइड में ये थोड़ी सी स्पेस दे रखी है जिसमें इधर 3.5 mm जैक दे रखा है. और इस साइड इसके जस्ट साइड में हमें माइक्रो यूएसबी का पोर्ट देखने को मिलता है, इससे आप इसको चार्ज कर सकते हो. इसको बंद करते हैं और ऊपर के बारे में देखते हैं तो ऊपर हमें मिलता है इधर एक इन्फिनिटी का लोगो, इधर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पॉज एंड प्ले बटन. बस इसमें और कुछ नहीं है देखने के लिए. अब चलिए इसको कनेक्ट करते हैं अपने फोन से और देखते हैं चलता है चलता है. पहले ये देखते हैं चलता कैसे है, जरूरत पड़ गई. सो गाइज हमने नॉलेज ले लिया और ऑन ऑफ यहां से होता है. इसको दबाते देखते बैटरी है कि नहीं है, वरना थोड़ा लॉल हो सकता है. ओ, बहुत कूल लगता है देखो. चलो गाइज इसको अपने वन प्लस 8 से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या है ये. और वैसे भी मैंने अगर मेरे वॉलपेपर के बारे में बात करी जाए तो मैंने इसके अंदर जो वॉलपेपर है एक ग्रूट का बार लगा रखा है और अंदर मैंने कार्टूनिश लुक ऑफ डेडपूल लगा रखा है और मेरे को बड़े कूल से लगते हैं इसलिए मैंने लगा रखा है. चलो इसको अब कनेक्ट करते हैं. कनेक्टेड. सो गाइज अब ये कनेक्टेड हो चुका है. अब चलो गाने चला के देखते हैं. ये लो पे मीडियम. ओ एक मिनट. आई नो मुझे आई डोंट नो आपको बेस इसका समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओ भाई साहब इसका बेस, जब बेस इसका होते जब इसमें बेस आता है ना, ये इसकी जो ये ग्रिल्स हैं ये धक 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 करती हैं वो. सो चलो इसको रखते हैं और चलाते हैं. और भाई तभी ये जो गाना चलने वाला है ये YouTube पे सबसे कॉमन गाना है, हर आपको एक दूसरी वीडियो में दिख जाएगा. मैंने भी वीडियो में यूज कर रखा है. ये आपने देख लिया. चलो अब इसको थोड़ा देखते हैं और कितनी आवाज ऊंची हो सकती है या फिर ये इतनी ही है. सो गाइस मेरे को एक और फीचर के बारे में पता चला है कि जैसे ही आप प्लस वाले साइन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक गाना चेंज कर देगा, मतलब नेक्स्ट जो गाना है वो चला देगा. और जब आप इसको माइनस वाले पे रखोगे, माइनस वाले को लॉन्ग प्रेस करोगे, तब जो आपका गाना है वो
पिछले वाला गाना चल जाएगा और ये इसको चलो इससे कनेक्ट करते हैं प्लस मूवी देखते हैं ये चलो एक अपना ये तो अंग्रेजी गाने हो गए अपना गाना सुनते हैं इसमें बेस पता चलेगा बस नेम ना आ जाए सो गाइज अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो अराउंड 8 घंटे का है मतलब इसको एक बार पूरा चार्ज करो फिर 8 घंटे तक लगातार अपने जो भी मर्जी के गाने सुनो और ये वाटरप्रूफ है IPX7 की रेटिंग के साथ ऑफिशियली आता है जिसकी वजह से आप इसको पानी में डाल के चला सकते हो और बात करी जाए साउंड क्वालिटी की तो वो आप सुनी चुके हो और सच बता रहा हूँ मैं माइक पे जो आपने सुना है ये जस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि माइक फ़ोन का है जब आप इसको कानों से सुनोगे ना Really you gonna love it. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर भी मत जाना.